पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निवाद, क्या लग रहा है ये बार बार, क्योंकि आप लंबे वक्त से मध्य प्रदेश की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, देखते आ रहे हैं, कई सरकारों को आते जाते आपने देखा, लेकिन इस मर्तबा सिंधिया समर्थकों ने जैसे ही पाला बदला और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कवायदे की जा रही थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। किस तरह का दबाव, कब तक ये अटकलों पर विराम लग जाएगा? देखिए, अटकलों पर तो विराम कभी भी लग सकता है और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा दबाव की इसमें दिखता नहीं है। उसका कारण यह है कि सिंधिया कैंप से इनको 10 लोग, जो लोग कांग्रेस से आए हैं उनमें से 10 लोगों को मंत्री बनाना है, जी। दो बना चुके हैं, 8 को और बनाना है। हाँ। अब ये 8 एक किस्त में बनेंगे कि दो किस्त में बनेंगे ये देखने की बात है। उन 8 में से एक भी नाम भाजपा वालों को तय नहीं करना, वो सारे के सारे नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया तय करेंगे। जी। मीडिया में भले ही कुछ खबर आए लेकिन संभावना आज यानी 1 जून को मंत्रिमंडल के विस्तार की थी। यदि आपको ध्यान हो तो ज्योतिरादित्य जी के हफ्ते 10 दिन पहले 1 जून को भोपाल आने की यात्रा की तारीख निश्चित हुई थी। तो इसका अर्थ है कि अगर 24 में 23 में मीडिया में खबरें आती रही कि होगा तो ये खबर केवल अनुमान के आधार पर थी। ठोस खबर 1 जून ही थी, जो किन्हीं कारण से, और 31 को जाने वाले थे शिवराज दिल्ली, लेकिन अब ये संभावना चूंकि अब 31 को प्रधानमंत्री का लाइव था और लॉकडाउन का निर्णय लेना था, तो मुझे लग रहा है इस कारण से ये तिथि एक बदली हुई है। इस सूची का जहां तक सवाल है, एक और बात है, दावा कुछ अगर होना है तो वो भाजपा कैंप में ही है, और भाजपा कैंप में भी कोई बहुत ज्यादा, भाजपा तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल में नामों पर विवाद कभी कहीं नहीं होता है। तो मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र में भी मंत्रिमंडल बना तो कांग्रेस ने अपने नाम दिए, एनसीपी ने अपने नाम दिए, शिवसेना के नाम मंत्रिमंडल बन गया। इसी तरीके से यहाँ भी भाजपा नाम तय कर लेगी। अगर बन रहा है तो इसमें कुछ और टेक्निकल दिक्कत होगी, बहुत संभव है कि जो अभी राजभवन का वो सैनिटाइजेशन चल रहा है वहाँ पर, जो की मरीज निकल आया था, तो संभव तो वो एक कारण हो सकता है या और कुछ कारण हो सकता है जिसके कारण ये टला है। नामों को लेकर के मेरी दृष्टि में विवाद कहीं नहीं है। लेकिन शर्मा जी, बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि सिंधिया समर्थक 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है, 8 लोगों को शामिल करना है, और उनमें से अगर आज ही अगर हम पारुल साहू का, जो सुर्खी विधानसभा से विधायक भी रह चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं मौजूदा वक्त में, उनका ही अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं, गोविंद सिंह भले अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, मंत्री बन गए हैं, लेकिन नाराजगी उन्होंने जाहिर बताई है। ऐसे ही कई ऐसे क्षेत्र हैं, अगर हम उज्जैन संभाग की बात करते हैं तो उज्जैन में भी पेच फंसा है, भोपाल, रीवा, तो किसको शामिल, अगर सिंधिया समर्थक 8 लोगों को भी शामिल किया जाता है, जो मीडिया के हवाले से भी जो खबर हमें मिल रही है वो ये है कि सिंधिया वही पोर्टफोलियो चाहते हैं जो उनको कमलनाथ सरकार में उनके मंत्रियों को मिले हुए थे, तो ऐसे कैसे एडजस्ट किया जाएगा क्योंकि 24 सीटों पर उपचुनाव है। ये बात सही है कि पोर्टफोलियो को लेकर के कुछ बात आगे हो सकती है, लेकिन पोर्टफोलियो को लेकर के अभी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें झगड़ा होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो भी लगभग अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि किसको क्या मिलना है। बहुत 1-2 विभागों को लेकर के कुछ तनाव आ सकता है। इस समय थोड़ा सा दबाव अगर है तो भाजपा को अपनी अंदरूनी राजनीति का इस समय दबाव ज्यादा है। जितने 24 उपचुनाव होना है उसमें 2 में कोई बहुत झगड़ा नहीं है, आगर मालवा में और जोरा में कोई झगड़ा नहीं है, बाकी जो 22 जगह पर है उसमें से करीब 10-12 ऐसी सीटें हैं उपचुनाव वाली जहां पर कहीं ना कहीं भाजपा के लोग बहुत मुश्किल से पचा पाएंगे नए लोगों को, या जो भी कुछ आकर झगड़ा होगा, तो सारी समस्या वहां आ रही है। दूसरी एक और आ रही है भाजपा के भीतर भी मंत्रियों को बनाना। अब जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप किसी वजह से सुर्खी से ये जो आ गए हैं गोविंद राजपूत आ गए हैं, गोविंद अगर आ गए हैं तो अब भाजपा के 2 क्लेमेंट ऑलरेडी वहां है, भूपेंद्र सिंह है और गोपाल भार्गव, तो अब उसमें से अगर बाई दबे दोनों को अगर बनाते हैं
तो फिर तीन हो जाएंगे तो बाकी लोगों को कैसे स्थान मिलेगा। तो अच्छा फिर दोनों के बीच में झगड़ा इतना ज्यादा है, कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए भी कहीं ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार रायसेन जिले में आप देखें तो रायसेन जिले में दो दावेदार बहुत जबरदस्त है, पाची के क्या नाम से ये अपना ये पटवाजी के भतीजे सुरेंद्र पटवा है और उदयपुरा से रामपाल सीएम की खुद की पसंद है। या भोपाल अगर देखें तो यहाँ भी बहुत जबरदस्त दबाव तीन शर्मा जी बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन विकास बोंदिया जी जुड़ गए हैं। बोंदिया जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत लंबे वक्त बाद आप जुड़े हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है? सुनने को आ रहा है कि भाई जो विस्तार होना था वो टल गया। नहीं, टल मंत्रिमंडल विस्तार होना है ये तो मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस मामले में तो कोई अब किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो कल होगा सर, मान ले कल होगा, परसों होगा, अगले हफ्ते हो, मतलब ये तो मुख्यमंत्री जी का दफ्तर से पता लगेगा कार्यालय से। लेकिन जो मुझे जानकारी आप लोगों के माध्यम से लग रही है जानकारियां कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी संगठन से भी चर्चा करना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी संगठन से चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए समय लग रहा है। उसके बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय से ही हमें मुझे लगता है कि फाइनली सूचना मिल सकती है। जो जानकारी आप लोगों को हम लोगों के माध्यम से लग रही है उस पर तो आप विश्वास करते हैं? तो इसी के हवाले अब मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ कि भाई पेज कहाँ फंस रहा है? ये देखिए, अभी तक तो कोरोना का जो लॉकडाउन था वो उसके राहत के कार्य, मेडिकेशन संबंधी कार्यों में पूरा सरकार का एनर्जी और फोर्स लगा हुआ था, एकमात्र लक्ष्य भी वो था। इसलिए अन्य विभागों में ऐसा बहुत करके नीतिगत कार्य की आवश्यकता तो बहुत पड़ नहीं रही थी, पड़ भी रही हो आवश्यकता तो कहें कि हमारे पास में वो सेकेंडरी थे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ये थे, इनको फोकस करके गवर्नमेंट काम कर रही थी। हर स्टेट्स में जैसे सीएम खुद व्यक्तिगत तौर पे हर प्रदेश के सीएम लीड कर रहे हैं इन लक्ष्यों को फोकस करके, उस तरह से मध्य प्रदेश में भी कर रहे थे। अब समय अनुसार अन्य विभागों में लॉकडाउन में रिलैक्सेशन के साथ में अन्य विभागों में भी नीतिगत जो भी निर्णय लेने हैं उसके लिए मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी और उसका जल्द ही विस्तार भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो 28 मंत्रियों को शपथ दिलाने जा रहे हैं आप लोग, तो 28 में से कितने सिंधिया खेमे से रहेंगे? और जो आपके जो, क्योंकि आपके जो कई दिग्गजों का कहना है कि उनको बाईपास किया जा रहा है। देखिए, आपने कहा था कि मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आप बात कर रहे हैं, मैं भी उसी के रिगार्ड में आपसे ये सवाल कर रही हूँ। और क्योंकि सूत्रों से भी ये जानकारी मिल रही है कि आपके कई दिग्गज जो मंत्री रह चुके हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई मुझे जानकारी नहीं है, कहीं व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं आया। आप लोगों के हवाले से कई जगह खबरें आई तो हमारे विधायकों ने उसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया कि कोई ऐसी मंशा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन इतना मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा विधायक है तो एक से एक अनुभवी हैं, एक से एक काबिलियत वाले हैं। उसमें से अब किन्हें लिया जाता है ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वे इस संबंध में संगठन से चर्चा करना चाहते हैं तो ये भी उनका विशेषाधिकार है, और संगठन को निर्णय में शामिल करते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा ये भी। हालांकि बोंदिया जी, हैरत तो दिख रहा है, उस वक्त हुई कि जब पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जब सिंधिया समर्थक तमाम जो विधायकों के, एक्स विधायकों के, जब वो इस्तीफे लेके आए और जब पहली बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उनका नाम शामिल नहीं था। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस से स्पोक पर्सन दुर्गेश जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। दुर्गेश जी स्वागत है, शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। सवालों से कन्नी काट ली है यहाँ पे बोंदिया जी ने थोड़ी बहुत, हालांकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सभी सिंधी जो आपकी पार्टी को छोड़ के जो लोग गए थे उन सभी को मंत्री बना दिया जाएगा? देखिए, जितना सौदा तय किया है वो इनको सौदा पूरा करना पड़ेगा। पहले हुआ करता था कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का एकाधिकार होता था, पर आज ऐसा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का एकाधिकार नहीं है, मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए इनको एक और नेता, जिनको इन्होंने सौदा कर लिया,
उनके भी बिना सहमति के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। ये वस्तु स्थिति ये सब जानते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री तो गौण हो चुके हैं आज की डेट में। हाँ। ना उनको केंद्रीय नेतृत्व तो समय दे पा रहा है, ना सिंधिया जी की इच्छाओं को जो है वो पूरा कर पा रहे हैं। और नहीं करेंगे तो बगावत होगी। यदि उधर की बगावत से बचेंगे तो घर की बगावत से निपटना पड़ेगा। अब गोपाल भार्गव जी को कोरोना का इफेक्ट का डर दिखा के बाहर रखने का प्रयास है। पहले भी समाचार आया था कि कोरोना के नाम पर उनको रोक दिया था और मंत्री नहीं बनने दिया। अभी भी ऐसे ही लग रहा है। तो ये अब षड्यंत्र पे आ गए हैं। षड्यंत्र करके किसी तरह कभी सिंधिया के खेमे को, कभी अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे को वो दबाने का दबाव बनाने के राजनीति पे लगे हुए हैं। षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र करने के शौकीन हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। शायद दुर्गेश जी ऐसे ही धीरे धीरे, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र करके धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से तमाम दिग्गजों को निकाल के ले जा रहे हैं। प्रभुराम चौधरी को भी निकाल के ले गए। हालांकि सवाल का जवाब आप चलूंगे बोल दिया कि षड्यंत्रकारी तरीके से आप लोग षड्यंत्र रचते हैं, जिसका नतीजा यह है कि आपकी जो बीजेपी है वो कांग्रेसमय हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि भाई कोरोना का हवाला देके आपने अपने दिग्गज नेता को क्यों मंत्रिमंडल से बाहर रखा, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर? दुर्गेश जी को चूंकि सरकार उनके संगठन की नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको इस संबंध में टिप्पणी करने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अब ये तो आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, बेवजह है। देखिए, जहां तक इन्होंने एक बात कही कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार एकाधिकार ये बोल रहे हैं, बिल्कुल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा है कि अगर वो संगठन की सहमति को, संगठन को भी निर्णय में शामिल करना चाहते हैं तो ये तो हमेशा से होता आया है। हम ज्यादा पीछे क्यों जाए? कमलनाथ जी ने सरकार जब बनाई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, और बताइए कितने दिन लगे थे इनको मंत्रिमंडल का गठन करने में। वो क्या वजह से लगा था? क्या कमलनाथ जी एकाग्रचित होकर चिंतन नहीं कर पा रहे थे क्या? तब भी सलाह मशवरा कर ही रहे थे ना। तो मुझे लगता है कि ऐसी लूज बातें नहीं करना चाहिए जो इन्हीं के ऊपर वापस गोली चल जाए। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा ना, अनेक काबिल, अनेक वरिष्ठता क्रम में है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल था, तब तीन चार बार के विधायक रहे, विधायक ही रहे, मंत्री नहीं बने, और नवागतों को भी दिया गया। तो देखिए, जिम्मेदारी अलग अलग बढ़ती रहती है। विधायक अपने क्षेत्र में भी काम करते हैं, संगठन में भी जवाबदारी लेके काम करते हैं। इसका निर्णय मुख्यमंत्री और संगठन मिलकर करते हैं, वो कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, रमेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार जुड़े हुए। रमेश जी, आपकी टिप्पणी। स्वाभाविक रूप से विलंब तो हो रहा है मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में, इससे तो कोई इनकार किया नहीं जा सकता। और इसमें चाहे भले ही कोरोना की बातचीत हो सकती है, इनकी भाजपा की कोई अंदरूनी बात हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ अब ज्यादा विलंब उसमें नहीं होगा। एक तारीख उनकी लगभग तय थी, किसी कारण से एक अगर गई है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें अब ज्यादा दिन लगेंगे। हमको जून के फर्स्ट वीक में नए मंत्रिमंडल का की संभावना दिखती है कि इसमें नए मंत्रिमंडल के चेहरे आ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि जून की संभावना है, 2 जून को जिस तरह से कहा भी जा रहा था, यहाँ पे बोंदिया जी भी कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने 2 जून के लिए मंत्रिमंडल का जिक्र किया था तो उनके मुख्यमंत्री मतलब ऑफिस से इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी, उनका विशेष अधिकार। लेकिन फिर भी शर्मा जी, बड़ा सवाल यह है कि जो पेच फंस रहा है, क्योंकि अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो वहां पे 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या लगता है यहां से ज्यादा सिंधिया समर्थकों को लाया जाएगा, या जो नरेंद्र सिंह तोमर है केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी जो समर्थक हैं, वीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन अरविंद भदौरिया, इन ये लोग भी कुछ नामों पर सहमति नहीं बना पा रहे, इस वजह से भी ये पेच फंसा हुआ है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात, 8 जो सिंधिया समर्थक कैंप से जो 8 लोग आना है, ऐसा नहीं है कि वो 8ों के 8ों ग्वालियर संभाग से हों, ग्वालियर से बाहर से भी लोग होंगे। मैं समझता हूँ सिंधिया कैंप के ग्वालियर चंबल संभाग से 4 से 5 लोग होंगे, 3 सिंधिया कैंप में भी 3 या 4 लोग कहीं बाहर से हो सकते हैं। अब इनको संतुलित करने के लिए स्वाभाविक रूप से भाजपा मान करके चलिए 2 से 3 आदमी अपने उस इन दोनों डिवीजनों में से ले सकती है। अब उसमें से चूंकि एक नरोत्तम मिश्रा आ चुके हैं, हमको भाजपा कैंप के कम से कम 2 लोग इस मामले में और हमको मानकर चलना चाहिए, क्योंकि 4 लोकसभा क्षेत्र वहां पर आते हैं, मुरैना आता है, भिंड आता है, ग्वालियर है और गुना है। तो मान करके चलिए कि एक अगर आ गया है तो कम से कम 2 और अधिकतम 3, इतने लोग भाजपा कैंप के
उस क्षेत्र में से आने की संभावना से हम इनकार नहीं नहीं कर सकते, बिल्कुल वाकई में। बोंदिया जी, अभी तो मंत्रिमंडल, दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हुआ और आज ही पारुल साहू, जो आपकी सुर्खी से पूर्व विधायक भी रह चुकी है, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि गोविंद सिंह राजपूत को लोग पचा नहीं पा रहे, कार्यकर्ता भी ना खुश है और वो जिस तरह से कॉन्टेक्ट उनको करना चाहिए, उनको कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, वो उस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो उपचुनाव में जाहिर सी बात है उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। अभी उपचुनाव तो बहुत दूर की बात है, मंत्रिमंडल, दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार भी मतलब दूर की कौड़ी ही साबित हो रहा है और बगावती सुर अभी से खड़े हो रहे हैं। देखिए, बगावत तो इसके सुर का विषय नहीं है, इसे अगर हम सकारात्मक, बोंदिया जी उन्होंने ये कहा है, मैं उनके शब्द बता देती हूँ, उन्होंने कहा है कि इस बात की क्या गारंटी कि गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाते हैं, और इस बात की क्या गारंटी कि वो फिर से कांग्रेस में शामिल ना हो, क्योंकि डीलिंग करके वो आए हैं। मैंने नहीं सुना पारुल जी ने क्या कहा है, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि गोविंद सिंह जी सुर्खी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे, एक मंत्री हैं, और फीडबैक हमारे लिए तो सुर्खी से भी और पूरे सागर संभाग से ही उनके संबंध में अच्छा आ रहा है, जो कार्यकर्ताओं के साथ में लेके काम भी कर रहे हैं। जहां तक विषय है, अगर पारुल जी की टिप्पणी में से हम जो फिल्टर आउट कर सकते हैं सकारात्मकता के साथ की, और अगर बेहतर प्रयास करना है तो बिल्कुल, और बेहतर प्रयास के लिए हम कहां कहां क्या कमी छूट रही है उसके लिए पॉजिटिव रुख अख्तियार करेंगे। मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी भी उसे पॉजिटिविटी के साथ में लेंगे, और यकीनन चूंकि गोविंद सिंह जी मंत्री हैं और 6 महीने में किसी भी पदस्थ मंत्री को विधायक बन के आना, चुन के आना रहता है विधानसभा में, तो यकीनन हम मान के चलते हैं कि उन्हें विधानसभा का चुनाव तो पार्टी लड़ाने की ओर अग्रसर होगी ही होगी, लेकिन अंतिमतः निश्चित तो मुख्य चुनाव हमारी समिति करती है। हम पारुल जी की बात को तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी के साथ लेंगे कि जहां जो कमी दिख रही होगी उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, भोपाल रीवा में भी पेच फंसा हुआ है, भोपाल में कई आपके जो विधायक हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई उनका भी नाम शामिल किया जा सकता है, यहाँ भी आपका पेच फंसा है। उज्जैन में भी स्थिति कमोवेश यही देखने को मिल रही है, बालाघाट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे भी रामकिशोर कावरे और गौरीशंकर बिसेन में होड़ है। देखिए, राजनीति में पेज तो हमेशा फंसे रहते हैं, जितना चिंतन करेंगे उतना पेज दिखते रहते हैं, लेकिन एक संगठन शास्त्र होता है। हम प्रदेश की उन्नति के लिए एक प्रतिपक्षी राजनीतिक दल से प्रतिद्वंदी के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में और चुनावी क्षेत्र में संघर्ष करते हैं। यकीनन एक संगठन में भी बेहतर काम के लिए दो कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, इच्छा हो सकती है, तो वो एक स्वाभाविक सा है, लेकिन उसे पेज फंसना नहीं कह सकते। ठीक है, तो सब लोग अपनी, हालांकि आपने ये कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना संकट की वजह से हम मंत्रिमंडल का पार्टी विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन कोरोना काल में ही आप लोगों ने सरकार गिरा दी और बीजेपी की सरकार बना ली, वहां से विधायकों को अपने पाले में कर लिया, ये सब कुछ कोरोना काल में चल सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आप कर नहीं कर गए। दुर्गेश जी भाई, उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस पार्टी के पेट में बार बार दर्द क्यों हो जाता है कि भाई यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, तमाम चीजें हैं। बिल्कुल सही कह रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, और मध्य प्रदेश की जो आज परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी पापोती नहीं है या उनकी मलकियत नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता उनकी मलकियत नहीं है, उनको मध्य प्रदेश की जनता के प्रति अपनी जवाबदेहियों का निर्वहन करना चाहिए। आज हम विपक्ष में है और हमारा अधिकार बनता है कि हम उनके जो उनको निर्वहन करना है वो, यदि उनका निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उस पर आगाह करें। हम उस पर ये कह रहे हैं, भैया आप जो काम सुचारू रूप से होना है उस काम को व्यवस्थित कर दें, क्या दिक्कत है। आज आप 2 महीने से ऊपर हो गया, 70 दिन के आसपास होने जा रहे हैं और आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए, इसमें आपकी अक्षमता दिख रही है। वैसे भी 2 महीने बाद आपको जाना है, 2 महीने बाद चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद में 24 में से 24 सीटें, यदि आप नहीं जीत पाए, कांग्रेस 24 सीटें जीत जाती तो आपकी सरकार जानी है। ठीक है, कम से कम 2 महीने 3 महीने जो व्यवस्था, लेकिन दुर्गेश जी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अगर ठीक चल रहा होता तो धीरे धीरे करके आपके दिग्गज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी को ज्वाइन नहीं करते, तो जब खुद का घर अगर शीशे का हो ना तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं डालने चाहिए। बहुत संक्षेप में शर्मा जी आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं।
शर्मा जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात पूरी कीजिए। साफ तौर पर हम बराबर कांग्रेस को भाजपा को सुन रहे थे और जो दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, लेकिन लेट तो हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक हो जाना चाहिए। और ये तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि साफ तौर पर कि कोरोना काल चल रहा था, अगर कोरोना काल में 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं तो और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। राज्यपाल अगर वहां नहीं पहुंच पाते तो राज्यपाल दूसरी जगह आकर भी कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण करा सकते हैं। तो ये बात जब किसी चीज में विलंब होता है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं, और सवाल यही खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा पेज हुआ है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल हो चाहे बड़ा सवाल ये भी है अरविंद की राज्य अगर ये हवाला दिया जा रहा है कि राज्यपाल नहीं पहुंच सकते तो आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम चीजें हो जाती हैं। और ठीक उसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर मंत्रिमंडल का गठन करना है, विस्तार करना है, तो उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल संबोधित भी कर देंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। दुर्गेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और विकास जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। रमेश जी का हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।